मध्य प्रदेश में 45 सड़कों की एक साथ होगी शुरुआत। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए बनाया गया मंत्रियों का समूह। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा सड़क शिलान्यास कार्यक्रम पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि पूरा भारत जानता है कि सड़कों के मामले में नितिन गडकरी का अपना एक इतिहास है। गडकरी ने मध्य प्रदेश में लगभग 45 सड़कों की एक साथ शुरुआत करी। कैबिनेट बैठक पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जरूरी है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। मंत्रियों के समूह की 3 बैठकें हो चुकी हैं। कांग्रेस की CWC बैठक पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हेडमास्टर का लड़का ही फर्स्ट आता है, लेकिन कांग्रेस की बैठक में यह हुआ कि हेडमास्टर खुद ही फर्स्ट आ गए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, मैं प्रारंभ से ये बात कह रहा हूँ, लगभग 4 महीने से हूँ, सवाल भी वही है और जवाब भी वही होगा कि हमें जब तक वैक्सीन नहीं आता है कोरोना के साथ में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। वैक्सीन आते ही हम सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमारी रिकवरी रेट मध्य प्रदेश के सर्वाधिक आने वाले राज्यों में से एक है। अधिकांश लोग स्वस्थ होकर घर जाते हैं, लगभग 75-80% लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं, बाकी के लोग एडमिट रहते हैं तो वो साइकिल है, वो चलती रहती है, आते हैं और चले जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी गरीबों के लिए, मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क की हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क है, लेकिन जो संपन्न लोग हैं वो सशुल्क भी कराएं, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है, लेकिन कोरोना को हराएंगे ये संकल्प पक्का है। मध्य प्रदेश के नहीं, देश के अंदर उसकी गति बढ़ी है, विश्व के अंदर उसकी गति बढ़ी है, हमें उम्मीद है कि थमेगी। एमपी का आज प्रेजेंटेशन है, आत्मनिर्भर एमपी का प्रेजेंटेशन होगा और 4 मंत्रियों के ग्रुप में कैबिनेट में महत्वपूर्ण चीजें होने वाली है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, उसके लिए एक रोड मैप बनाने के लिए मंत्रियों के समूह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए थे। उन मंत्री समूहों की 2-2, 3-3 बैठकें हो चुकी हैं, उसका प्रेजेंटेशन में हमें अगला कदम की ओर आज हम बढ़ेंगे। मैंने कल अपनी बात कही थी, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, वह उतना सा सुधार हुआ है। कल मैंने कहा था कि हेडमास्टर साहब के बच्चे को ही फर्स्ट आना है, इसमें हेडमास्टर साहब खुद ही फर्स्ट हो गए। माननीय सोनिया गांधी जी ने इस्तीफे की पेशकश की, CWC ने माननीय सोनिया जी से विचार करने को कहा, माननीय सोनिया गांधी जी ने विचार किया और माननीय सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। माननीय सोनिया जी से शुरू, गांधी पर ख़त्म, ये रटी रटाई स्पष्ट थी। इसमें हास्यास्पद तो ये हुआ कि इतने पुराने कांग्रेसी कपिल सिब्बल जी और गुलाम नबी आज़ाद तक शंकाओं के गद्दारों की श्रेणी में आ गए। कांग्रेस में अगर लोकतंत्र होता तो शाम तक गुलाम आजाद हो जाते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।